हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसको शायद आपने इसके पहले नहीं सुना होगा। ये एप्लीकेशन का नाम है यूपी कॉप एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में पूरी डिटेल्स आपको देता है। इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप ऑनलाइन ही घर बैठे अपनी FIR रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई भी परमिशन ले सकते हैं और अपने FIR का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपका कुछ गुम हो गया या खो गया तो उसकी भी डिटेल्स आप ऑनलाइन ही दे सकते हैं और उसका स्टेटस क्या है ये भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा हर एक डिटेल्स कि आपको कैसे FIR रजिस्टर करना है, कैसे स्टेटस चेक करना है, अपने थाना का कॉन्टैक्ट नंबर और अपने डिस्ट्रिक्ट के SP का कॉन्टैक्ट नंबर कैसे देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं यूपी कॉप एप्लीकेशन के बारे में। यूपी कॉप एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस टेक्निकल सर्विसेज का बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में पूरी डिटेल्स और यहीं से आप अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, कंप्लेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं और उसकी प्रोग्रेस और फाइनल डिसीजन आपकी कंप्लेन पर क्या लिया गया, आपकी कंप्लेन साल्व हुई या नहीं साल्व हुई, ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यूपी कॉप ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन करेंगे, ओपन करते ही इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आता है। अब आप यूपी कॉप ऐप में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश ही रहने देंगे इसको। आप FIR यहां से आप EFIR रजिस्टर कर सकते हैं, FIR डाउनलोड कर सकते हैं, रोड एक्सीडेंट केस आप यहां से चेक कर सकते हैं, रजिस्टर लॉस्ट आर्टिकल भी यहीं से आप कर सकते हैं। इसके बाद कंप्लेंट्स सीनियर सिटीजन कंप्लेन में क्लिक करके आप सीनियर सिटीजन कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। कंप्लेन बाय दिव्यांग शेयर इन्फॉर्मेशन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद परमिशंस प्रोसेजन रिक्वेस्ट आप यहीं से दे सकते हैं, प्रोटेस्ट स्ट्राइक रिक्वेस्ट यहीं से दे सकते हैं, इवेंट परफॉर्मेंस फिल्म शूटिंग की रिक्वेस्ट यहीं से परमिशंस आप ले सकते हैं। इसके बाद सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट पेड सर्विस है 50 रुपीज़ के लिए, डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन है पेड सर्विस 50 रुपीज़ का, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन है पेड सर्विस 59, वेरिफिकेशन 50, पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिक्वेस्ट भी आप यहीं से कर सकते हैं। इसके बाद कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस आपको यहां से मिल जाती हैं। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, एक्सीडेंट हॉटस्पॉट नियर मी, स्टोलन रिकवर्ड व्हीकल, सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन, आइडेंटिफाइड डेड बॉडीज इस पे बैक आएंगे, मिसिंग पर्सन कंट्री क्रिमिनल अरेस्टेड एक्यूज साइबर अवेयरनेस। इसके बाद आते हैं सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस पर। मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले लॉगिन करेंगे तभी आप इस पे रजिस्टर कर पाएंगे। इसके बाद यूपी कॉप यूजर्स रिपोर्ट देख सकते हैं आप। तो नेम ऑफ सर्विसेज इस साइड आपको देखने को मिल जाती हैं और ईयर मिल जाता है 2019, 2020, 2021 टिल डेट तक। तो EFIR कितनी हुई हैं, 2019 में हुई हैं 17,000, 20 में हुई हैं 28,000 और 21 में हुई हैं 98,000। मतलब जब से ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ इसकी पॉपुलरिटी इंक्रीज होती गई है। बाइक आ देंगे, रजिस्टर करने के लिए सर्च यो एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड इस पर क्लिक करेंगे। इस पर अगर आपने मोबाइल नंबर पहले से ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉगिन करेंगे सीधे, नहीं तो डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप पर क्लिक करेंगे। मैंने अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है तो मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर करके लॉगिन करूंगा। मैं लॉगिन हो चुका हूं यहां पर। टाइप ऑफ सर्विसेज चूज करूंगा मैं यहां से, EFIR करूंगा, ईयर 2021 करूंगा, सर्विस रिक्वेस्ट। इसके बाद सर्च करूंगा मैं, नो रिकॉर्ड फाउंड, मैंने कोई भी EFIR नहीं की है इसलिए कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। इसके बाद सर्विसेज पर आएंगे, आप यहां से कोई भी सर्विसेज के लिए परमिशंस ले सकते हैं, कंप्लेंट आप चेक कर सकते हैं, FIR आप देख सकते हैं अगर आपने की हुई है,
आप इन्फॉर्मेशन पर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चेक कर सकते हैं कौन सा है। लोकेशन अलाउ करेंगे, मेरे जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो पहाड़ी है, यहाँ पर मैप में शो हो रहा है पहाड़ी पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है। बाइक आएंगे, इसके बाद एक्सीडेंट हॉट स्पॉट नियर मी, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। नो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया फाउंड। स्टोलन रिकवर्ड व्हीकल, यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप चाहें तो कर सकते हैं। अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज, इसे भी आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं डिटेल्स। मिसिंग पर्सन की डिटेल भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और रीच आउट कर सकते हैं। बाउंटी क्रिमिनल्स की लिस्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है। बाउंटी क्रिमिनल्स ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जैसे जिला बदर कर दिया गया या गुंडा एक्ट लगा दिया गया, तो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे नो रिकॉर्ड फाउंड। आप जिला बदर जिनको किया गया, तो इसके बाद पुलिस स्टेशन भी आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस पुलिस स्टेशन का चेक करना चाहते हैं। जैसे मैं पहाड़ी पुलिस स्टेशन का चेक करना चाहता हूँ, तो कोई भी रिकॉर्ड मुझको नहीं मिला है। अब गुंडा डिटेल मुझको चाहिए, मैं पुलिस स्टेशन चेंज कर देता हूँ। अब इसके बाद जिला बदर चेक करूँगा मैं, कोई भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ है मुझे। बाउंटी क्रिमिनल भी चेक कर लेता हूँ, कोई भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं है मुझको। गुंडा डिटेल मुझको चाहिए 21 से एक साल का, मुझको पूरा डिटेल्स चाहिए। टू डेट इसको 22 करेंगे, एक साल का डिटेल चाहिए मुझको। तो नो रिकॉर्ड फाउंड, कोई भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं है। यहाँ से आप कॉल अस कर सकते हैं, इमरजेंसी नंबर ले सकते हैं, यूनिस्टॉल बैंड ऐप कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं और लॉग आउट भी यहीं से आप कर सकते हैं। कॉल अस पर क्लिक करके आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट के सभी ऑफिशियल्स के नेम आ जाते हैं, पुलिस स्टेशन के नेम यहाँ पर आ जाएंगे और उनका मोबाइल नंबर भी। जैसे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट पे जितने भी पुलिस स्टेशन है, तो सभी पुलिस स्टेशन के आपको मोबाइल नंबर आ जाते हैं। आप यहाँ से सिंपल मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधे कॉल करने को मिल जाएगा। अब सर्कल ऑफिसर कौन है आपके डिस्ट्रिक्ट का, इसे भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सर्कल ऑफिसर मीन्स सीओ होता है, सीओ। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एसपी का कॉन्टैक्ट नंबर यहीं से निकाल सकते हैं और चाहे तो कॉल कर सकते हैं। इमरजेंसी नंबर आपको मिल जाता है पुलिस कंट्रोल रूम 112, वुमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, जीआरपी हेल्पलाइन, ऑफिशियल वेबसाइट और ट्विटर हैंडल। आप यहां से सॉस कॉल भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए और फ्रेंड्स सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर घंटी भी बजा लीजिए।